तो जो है एक कहावत आपने भी सुनी होगी छोटी सोच और पाँव की मोच जिंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देती है और जो है एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि लोग जीएसटी का नाम सुन के इतना डर क्यों जाते हैं मैं बताना चाहूँ तो हमारे अगरबत्ती बिजनेस से जुड़े हुए पचास परसेंट लोग जो है कच्चे में धंधा करते हैं मतलब जीएसटी से काफ़ी दूर है और अगर आप किसी भी प्रकार के बिजनेस में हो या फिर व्यवसाय आप कर रहे हो बिजनेस आप कर रहे हो तो जी लेना अनिवार्य है पर वो किस कैटेगरी में वो आगे वीडियो में हम जानेंगे और जो है आज का वीडियो हमारा उनके लिए जो जीएसटी से थोड़ा घबराते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और जो उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी तो बात करते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर जैसे कि हमने लिखी हुई है यहाँ पर जी गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो सबसे पहले एक टॉपिक हम लेते हैं कि क्या है जीएसटी जो कि आपको दिख रही होगी गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमने लिखी हुई है गुड्स मतलब जो हम माल बनाते हैं और उसको जो है बेचते हैं मतलब माल सीधा सीधा मेरे कहने का मतलब है माल सर्विस मीन्स क्या होता है सर्विस ऐसी चीजों पर टैक्स लगाई जाती है जो एजुकेशनल पर्पस हो या फिर कोई डॉक्टर हो या जो फाइनेंस से रिलेटेड जिनका काम है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके लिए ये सर्विसेस टैक्स के रूप में होती हैं और टैक्स जर्नली ये दोनों चीज़ों पे लगती है ये गुड्स और जो है दूसरी सर्विस तो ये हो गया भाई जीएसटी जिसका शॉर्ट नेम हम बोलते हैं जीएसटी तो ये जीएसटी का आपको मीनिंग पता लग गई होगी अब जो है जर्नली हम लोग जो है गुड्स वाले कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं सो तो हमारा जो है माल बनाने का और माल बेचने का होता है हम सर्विस प्रोवाइड नहीं करते तो ये हो गई हमारी कैटेगरी गुड्स लेन देन मतलब बेचने और ख़रीदने की तो इसके बारे में मैंने कुछ बता दिया आपको अब जी जो है किस कैटेगरी में आपको लेने की ज़रूरत पड़ जाती है सबसे पहले आपने बिजनेस स्टार्ट की सो so, उसकी एक कुछ कैटेगरीज होती हैं बाई द वे आपने बिज़नेस स्टार्ट किया और जो है इनकी स्लैब जो होती हैं मतलब ईयरली होती है सालाना तो सालाना गवर्नमेंट के कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसके जहां तक अगर आप सेल कर रहे हैं मतलब टर्न ऑन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको जीएसटी लेना ज़रूरी पड़ जाता है स्लैब मींस अगर आप अपने व्यवसाय के अंदर सालाना 40 लाख का जो है टर्नओवर करते हैं टर्न मतलब लेन देन इसमें आपके बेचने और ख़रीदने की जो चीज़ें हैं वो अगर आपकी चालीस लाख से नीचे की है मतलब चालीस लाख से नीचे की है तो आपको जीएसटी लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती ये एक पहला कंडीशन है और दूसरा कंडीशन अगर आपको जो है चालीस लाख से ऊपर आपकी टर्न बढ़ जाती है, तो जी लेना आपको अनिवार्य हो जाता है तो ये दूसरा कंडीशन तीसरा कंडीशन ये होता है कि ये जो है अंदर स्टेट के लिए होती हैं मतलब आप बाई दफे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो मैं छत्तीसगढ़ के अंदर अगर व्यापार करता हूँ लेन देन करता हूँ आ, माल खरीदने और बेचने का काम मैं करता हूं। तो जो है मैं इस स्लैब के अंदर आऊँगा 40 चालीस लाख के अंदर और जो है तीसरी कंडीशन में आपको जीएसटी देना कब अनिवार्य हो जाता है जब अपने प्रोडक्ट को जो है आप किसी दूसरे स्टेट में किसी दूसरे राज्य में सेल करते हैं बेचते हैं चाहे वो प्रोडक्ट आपका किसी भी कैटेगरी का हो चाहे एक का हो चाहे दस का हो या सौ का हो या एक लाख का हो या फिर दस लाख का तो उस कंडीशन में आपको जीएसटी लेना ही पड़ेगा चाहे आपका स्लैब 40 लाख ,00 से कम का हो या फिर ज़्यादा का हो चाह चाहे फिर आपका जो सालाना टर्नओवर जीरो भी हो तो भी उस कंडीशन में आपको अदर अदर स्टेट में अगर आप माल बेचने जा रहे हो प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको जी जो है देना पड़ेगा तो ये कुछ कैटेगरीज आपने मैंने आपको बता दी है अब जो है जनरली एक क्वेश्चन होता है कि हमारे जो अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड जो है तो उस प्रोडक्ट में कितने कितने जो है परसेंटेज लगते हैं तो काफ़ी सारे लोगों का कन्फ्यूज़न हो जाता है जब भी कभी किसी जगह से मुझे फ़ोन आता है कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए जब मैं उनको प्राइस लिस्ट भेजता हूँ उसके साथ में मैं जीएसटी प्लस में करता हूँ तो पूछते हैं कि भी जीएसटी कैसे लग गया मतलब जीएसटी जनरली जो है किसी प्रोडक्ट में अलग अलग कैटेगरी वाइज लगती हैं तो जो अगरबत्ती रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें पांच परसेंट का जीएसटी हमको देना होता है पांच परसेंट का जो है जीएसटी लगता है और उसके बाद जो आ, केमिकल से रिलेटेड परफ्यूम्स हो गई डीपी ऑयल्स हो गई इसमें जो है अट्ठारह परसेंट का जीएसटी जाता है बस ज्यादातर ये दो कैटेगरी ही यूज हो होती है इसमें जो कि पाँच और अट्ठारह का ये हमारे रॉ मटेरियल्स का हो गया रॉ मटेरियल्स में काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपकी रॉ अगरबत्ती हो गई पाउडर्स चारकोल ये वो काफ़ी सारी चीज़ें जोश हो गया आपका बैम्बू स्टिक्स हो गई तो ये सब पाँच परसेंट के अंतर्गत आती हैं और जो परफ्यूम्स हो गए पैकेजिंग का जो आइटम है जो आ, 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 आपका पाउचेस वगैरह हो गए तो वो सारे चीज़ें जो है अट्ठारह में जाती है तो कुछ इस तरीके से जो है हमारे मटेरियल्स के ऊपर जो है टैक्सेस जो है लगते हैं पाँच और अट्ठारह और बाई वे आप बिना जीएसटी के काम कर रहे हैं और किसी दूसरी जगह से आप मटेरियल ख़रीद रहे हैं बाई वे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं किसी दूसरी स्टेट से महाराष्ट्र हो गया या फिर और कहीं से कोई प्रोडक्ट मैं ख़रीद रहा हूँ और मेरे पास जो है जी नहीं है तो बाई वे मैंने सौ रुपये की परफ्यूम खरीदी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटा एग्जाम्पल इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जीएसटी आपके लिए फ़ायदेमंद है या फिर घाटा तो मैंने खरीद लिया परफ्यूम सौ रुपये की यह परफ्यूम का प्राइस हो गया हंड्रेड रुपीज़ और उन्होंने जीएसटी के साथ बेचा मुझे जो बेचने वाली पार्टी है उन्होंने मुझे जीएसटी लगा के बेचा अट्ठारह अट्ठारह रुपए का अट्ठारह परसेंट मिस अट्ठारह रुपए का इसमें जो है टैक्स लगा ये प्राइस है और ये है टैक्स अब जो है मैंने माल तो मंगवा लिया बिल मेरे पास है इनके पक्के बिल और फिर जो इस जीएसटी का मैं फ़ायदा किस तरीके से लूँगा जब मेरे पास जीएसटी है ही नहीं तो ये जो प्राइस है ये जो आपका अट्ठारह रुपये है ये सीधा सीधा आपका लॉस में जाएगा अगर आपके पास जी नहीं है तो ये इस पैसे को आप यूज़ नहीं कर सकते इसीलिए जो है जी लेना अनिवार्य हो जाता है तो अब ये छोटी अमाउंट पे चीज़ें मैं बता रहा हूँ वे आप एक लाख का माल कहीं से उठा के खरीदते हो तो सीधा सीधा आपका अट्ठारह हज़ार रुपये का जो है जी लगेगा तो उस अट्ठारह हज़ार को आप किस तरीके से यूज़ करोगे जबकि आपके पास जी नंबर नहीं है तो फिर इसी जो अमाउंट को जो है आपके जीएसटी के रूप में जीएसटी भरेंगे तो ये हमारे जीएसटी अकाउंट में जो है सेव हो जाता है ये आपके अकाउंट में या फिर और किसी जगह पे नहीं जाती ये आपके जीएसटी जो नंबर होते हैं जो अकाउंट्स होते हैं उसमें ये आपका अट्ठारह रुपये जो है सेव हो जाएगा तो फिर ये आपके जीएसटी अकाउंट में जो है सेविंग रहेगा और ये आपके जो है आ, कोई भी किसी प्रकार की जो अकाउंट्स होते हैं अकाउंट उसमें आपका नहीं होगा चाहे सेविंग हो चाहे करेंट हो उसमें यह पैसा नहीं जाता यह जीएसटी अकाउंट्स में आपका जाएगा फिर इसका फायदा किस तरीके से होगा जब आप किसी भी तरीके से किसी जगह पे आप अगर माल आप बेचोगे तो माल बेचोगे तो आपने जीएसटी ली भाई तो आपने सौ रुपए की माल बेची और अट्ठारह परसेंट जीएसटी उनको लगा तो अट्ठारह का पैसा वो देगा तो उस बिल पर क्या है ये जो जीएसटी की टैक्सेस है वो उनको माइनस हो जाएंगी तो इस तरीके से जो है आपका इसमें फ़ायदा हो जाता है तो यहां से आपने ली और यहां से आपने पे कर दी तो ये दोनों जो है सिमिलर हो गई बराबर हो गई तो ऐसा होता है अगर आपने जीएसटी एस ले ली होती तो ये आपको जो है वेस्ट हो जाता ये पैसा जो है आपको किसी भी तरीके से फ़ायदेमंद नहीं होता और आपने जीएसटी नंबर ले लिया तो क्या है यही अमाउंट जो है आपको और आगे आप जीएसटी अगर जीएसटी में माल बेचते हैं आप तो ये फिर ये यूज़ हो जाएगा तो कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं मैंने एक साधारण भाषा में ये सारी चीज़ें समझाई हैं और इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें और हैं छोटे छोटे स्लैब्स हैं टर्म एंड कंडीशन है तो वो सारी चीज़ें जानने के लिए आप कोई फाइनेंस का काम करते हैं उनसे या फिर आपके आसपास में जो जी सी ए होंगे जो चार्टेड अकाउंटेंट होंगे उनसे आप जो है संपर्क करके ये सारी चीज़ें करवा लें और जी एस टी तो अपना रजिस्ट्रेशन आप करवा ही लें और जो है जी एस टी नंबर लेने के लिए आपको कुछ ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ पाँच सौ हज़ार रुपये के बीच में आपका जो है जी एस टी अकाउंट ओपन हो जाएगा और एक तरीके से लाइसेंस का भी ये काम करता है तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोज़ आपको अच्छी ज़रूर लगी होंगी और इस चीज़ को आप ज़रूर जो है अपने बिजनेस में अप्लाई कीजिए मिलते आने वाले किसी नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद